समय चलाते हुए सम्यक देखते हुए और चतुष्क में यह संचलन करते हुए हिंदू महासभा के साथ काम किया और ऐसे चार पांच अनेक संगठन बनाकर उसमें भी काम करके देखा। काम करते करते उनके ध्यान में आया कि किसी देश की मूल समस्या जो है वह है किसी देश में रहने वाला यहां का ये हिंदू समाज है। ये हिंदू समाज बार बार पराधीन क्यों होता है? शक्तिशाली लोग आक्रमण करते हैं इसलिए होता है क्या? तो उनके ध्यान में आया नहीं? हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा शतहूण कुषाण पठान ये आए किसको इस समाज ने बचा दिया। आज शतों का नाम लेने वाला कोई नहीं, कुषाण का नाम लेने वाला कोई नहीं, लेकिन इन आक्रमणों के कारण धीरे धीरे समाज की पाचक शक्ति कम होती गई और इसलिए समाज हमारा असंगठित हो गया, अनुशासनहीन हो गया, स्वाभिमान शून्य हो गया। और इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि संपूर्ण हिंदू समाज को फिर से स्वाभिमानी सक्षम समर्थ स्वावलंबी अनुशासित संगठित खड़ा करना है।